हिटलर शाही की तरह विभाग को चलाना चाह रहे हैं। न शिक्षक को तरजीह देते हैं और न मंत्री को तरजीह देते हैं। यह जो है बिल्कुल गैर कानूनी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, जो औचित्य से परे है। 5 बजे क्या 6 बजे तक भी हम लोग काम करेंगे, बशर्ते उनसे आग्रह यही है कि हम लोगों का समय से वेतन देने पे भी ध्यान दे सर। तो जिस वक्त फरमान जारी होता है हम लोग तैयारे रहते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है, नौकरी करते हैं ना। हम टीचर नहीं हैं अब, हम लोग को बरद बना दिया गया बरद। सचिव महोदय, ज़्यादा ये नियम कानून निकाल रहे हैं, इससे क्या काफ़ी परेशानी होती है पढ़ाने में और आने जाने। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है, मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। मधुबनी जिला के हम अभी सर्वसीमा ग्राम में हैं और यहाँ आप तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को देख सकते हैं। के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, लगातार फरमान निकालते आ रहे हैं। कल तमाम बिहार के जितने भी DM हैं उन सभी के पास एक लेटर जाता है और उसमें कहा गया है कि शिक्षक और शिक्षिका पहले 9 से 5 बजे तक स्कूल में अपने कार्य को पूरा करेंगे और कार्य पूरा करने के बाद अगर लोकसभा का चुनाव 24 में होता है तो 5 बजे के बाद जाएंगे। दुश्वारी लग रही है। ऐसा अभी तक के कानून व्यवस्था और नियम कानून में कहीं जो है इस तरह का जो है डपोर संखी जो है अधिकारी नहीं आया था। यह के पाठक साहब बहुत ही डपोर संखी भाषण की तरह नियम कानून की चिट्ठियां निकाल रहे हैं, जो बिल्कुल औचित्य से परे है। नहीं, आपको नहीं लगता कि के पाठक कह रहे थे कि इन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, पहले आप बच्चों को पढ़ाइए फिर उसके बाद चुनाव में जाइए, तो इसमें गलत क्या है? यही बात हम कह रहे हैं कि यह औचित्य से परे है। क्यों? यह जो है बिल्कुल गैर कानूनी लीक पर उन्होंने जो है चलने का काम किया है, एक हिटलर शाही की तरह। हिटलर हो गए, हिटलर शाही की तरह विभाग को चलाना चाह रहे हैं। न शिक्षक को तरजीह देते हैं और न मंत्री को तरजीह देते हैं। यह जो है बिल्कुल गैर कानूनी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, जो औचित्य से परे है। आपको भी लगता है कि जिस तरीके से फरमान आया है कि चुनाव में 9 बजे के बाद पहले स्कूल कीजिए फिर चुनाव कीजिए अपना कोई प्राइवेट लाइफ? देखिए, परेशानी तो बहुत होगी इसमें, क्योंकि बार बार नया नया फरमान जारी हो रहा है। शिक्षक को बहुत काफ़ी कठिनाई का सामना, जैसे हम लोगों को चुनाव में भी लगा दिया जाता है, ढेर सारा काम रहता है। अब 9 से 5 विद्यालय करना है, विद्यालय करने के उपरांत हम लोगों को जो है आपको लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अफसर शाही चरम पर है, अफसर ही सब कुछ चला रहा है, पूरा अफसर ही चला रहा है निश्चित रूप से। बार बार नया नया फरमान, कभी कभी ऐसा भी होता है सरकार को भी बैकफुट पर जाना पड़ता है, लेकिन हम लोग को लग रहा है इस बार भी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। आपको भी लगता है कि सरकार बैकफुट पर चले जाएगी? क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अगर के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं वो तो शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन चाह रहे हैं। ज्यादा सही जो है अपर सचिव महोदय, ज्यादा ये नियम कानून निकाल रहे हैं, इससे क्या काफी परेशानी होती है पढ़ाने में और आने जाने में, क्योंकि 5 बजे तक ये कर दिए हैं, ये औचित्य नहीं है सर। 9 बजे से 5 बजे फिर उसके बाद लोकसभा, और ये भी है जो BLO काम करते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं BLO काम, और 4-5 बजे के बाद BLO कार्य कैसे कर सकते हैं, चुनाव का कार्य कैसे कर सकते हैं, ये औचित्य। थक जाइएगा, हाँ थक जाइएगा, दिक्कत होगी बहुत। ठीक है सर, हम लोगों का पहला कर्तव्य है जो बच्चे का जो है पठन पाठन खूब सुंदर से हो। हम लोग लग वही तो के पाठक भी चाह रहे हैं जी, लेकिन बार बार जो फरमान आ रहा है हम लोगों को 5 बजे के बाद गैर शैक्षणिक किसी भी तरह का जो काम कराया जाता है, इसमें हम लोगों को काफी कठिनाई हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। फिर छुट्टी भी काट दी गई है। नए नए प्रयोग करना शिक्षकों पर और छात्रों पर, इससे अभिभावकों को भी परेशानी आई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में यह बाधक होगा। के पाठक जी जिस लाइन से हिटलरी जो है लागू कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। और सरकार की 24 में ये सरकार को आप लोग भी वोट देंगे या वोट तो देंगे, कहां तक देख रहे हैं सर? मैं भी एक नागरिक हूं और मैं भी एक मतदाता हूं। समय आने पर सरकार को के पाठक जैसे अधिकारी का तुगलकी फरमान का जवाब भी देंगे। नहीं होगी, के पाठक कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखिए, कुछ अच्छा तो कर ही रहे हैं, नहीं कैसे कर रहे हैं, अच्छा तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा अतिरेक हो रहा है जी, इतना नहीं होना चाहिए जी जी, कर तो रहे हैं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी दया दिखानी चाहिए जी जी। अरे मानव है ना, दिखानी चाहिए,
वाजिब जो हक है वो होना चाहिए, वाजिब जो हक होता है वो होना चाहिए। के पाठक लगातार फरमान निकाल रहे हैं, अब बोले हैं कि 5 बजे तक स्कूल, फिर अगर लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा के बाद स्कूल के बाद लोकसभा चुनाव। सर 5 बजे क्या, 6 बजे तक भी हम लोग काम करेंगे, बशर्ते उनसे आग्रह यही है कि हम लोगों का समय से वेतन देने पे भी ध्यान दें सर, काम कर लिए हमको परेशानी नहीं है। वेतन नहीं मिल रहा, वेतन सर जुलाई तक ही मिला है अभी तक, दुर्गा पूजा उसके बाद छठ महापर्व बीत गया, बच्चे के आगे हम लोग शर्मिंदा है सर। काम बच्चे यदि आएंगे तो हम लोग तो 6 बजे तक पढ़ाएंगे, और पढ़ाना तो है ही, अब चुनाव में भी जाना है, 5 बजे के बाद कोई आराम नहीं। 5 बजे के बाद सर वो ट्रेनिंग का व्यवस्था करेंगे, हम लोग जाएंगे, आराम आराम कोई नहीं है जब काम, लेकिन पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, हम लोग 24 घंटा काम करेंगे। ऐसा सर इधर आइएगा, ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश सरकार पूरे समर्पित हो गए हैं के पाठक पर, शिक्षा विभाग का कोई ये नहीं, अब मंत्री का कुछ अब नहीं। हमको ये अंदाजा नहीं लग रही है सर कि नीतीश बाबू भी क्यों उन पे फिदा हो गए हैं, उनको उनसे क्या लाभ और नुकसान है, ये तो हमारी समझ से परे है। लेकिन आपने जो एक क्वेश्चन पूछा कि आपने 5 बजे के बाद भी काम करेंगे, तो सर हम टीचर नहीं हैं, अब हम लोग को बरद बना दिया गया, बरद बैल बना दिया, बैल बना दिया, बरद जिसको मैथिली में बरद भी कहते हैं, कोल्हू का बैल, हाँ कोल्हू का बैल, हम लोग बैल बन गए हैं, हमें जब चाहे जिस तरह से चाहे मसल दे पीस दे जैसा मन हो वैसा करे, हम लोग को मतलब जानवर हैं, आराम करने की कोई हमारे पास समय नहीं है, हमें जैसा कहे, क्योंकि हम नौकरी करते हैं ना, सरकार हमें खरीदी हुई है पैसा देकर, तो हमें जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा, खरीद ली है, हाँ पैसा दी थी, स्वतंत्र नहीं है, कहाँ है स्वतंत्र हम लोग को, हमारा हम लोग का जो मानवाधिकार है उसका हनन हो गया, वो पूरा खत्म हो गया, अब सब कुछ जो है इस सरकार में लगता है हमको दाव पे लगा दिया गया। अमूल चूल परिवर्तन चाह रहे हैं के पाठक, कि बिहार इतने दिनों से आप लोग खुद टेबल कुर्सी पर लगाकर बैठे रहे, आप काम करने की बारी आ रही तो है तौबा, मतलब हर दिन काम करके ने के बाद अंधेरा में भी रात में जगा करके नींद मतलब खत्म करके मतलब अस्वस्थ बना करके काम होगा, नहीं है कुछ भी सिस्टम नहीं। सिस्टम ये है सर कि 12 बजे रात में लेटर निकलता है और फिर इनका अनुपालन 8 बजे में करना है, तो इतना कम समय मिलता है और इतना जल्दी लेटर निकलता है कि लेटर पढ़ने के लिए भी समय नहीं दे रहे हैं। अभी अब स्कूल में काम कीजिए, छुट्टी की कटौती, उसके बाद 5 बजे के बाद फिर से चुनाव में लग, और इसमें साथ में नए टीचर के लिए अभी इतना भाग दौड़ी है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा है, इनके अभी कोई रेसिडेंस नहीं है, हम 200 किलोमीटर दूर आ रहे हैं, रोज बाइक से जा रहे हैं। अच्छा। थोड़ा सा शिक्षकों का जो छुट्टी पहले से था इसको संरक्षित करते हुए प्रशासनिक कार्य यदि करेंगे तो और अच्छा लगता है कि आप लोग कोल्हू के बैल हो गए हैं, आप HM हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे होंगे, शिक्षक लगातार कार्यरत हैं, तो जिस वक्त फरमान जारी होता है हम लोग तैयारे रहते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है, नौकरी करते हैं ना। ये नहीं लगता कि बोदरेशन ज़्यादा हो रहा है? बोदरेशन तो है ही है, इतवार को भी विद्यालय खोल करके काम करना पड़ा, जा करके 7 बजे DO ऑफिस जिला में जा करके जमा कर किए हैं। ये तमाम शिक्षकों की अपनी अभिव्यक्ति है, जिन्होंने स्पष्ट ढंग से बातों को रखते हुए कई सारी बातों को रखा है, इनका कहना है कि अमूल चूल परिवर्तन अगर चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन हम भी मनुष्य हैं, हमारे पर भी सरकार की निगाह नर्म होनी चाहिए, हम काम करते हैं, काम करते रहेंगे, चुनाव में भी काम करेंगे, लेकिन तुगलकी फरमान ले देना और फरमान पढ़ने का भी समय न रहना, ये अपने आप में उचित नहीं है।